नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे बीकानेर में जो करणी माता का मंदिर स्थित है देशनोक, बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में मंदिर पड़ता है। दोस्तों सामने जो मंदिर दिख रहा है वो करणी माता का मंदिर है। इसमें करणी माता की मूर्ति स्थापित है। जो मेन गेट है वो बहुत ही शानदार संगमरमर की नक्काशी इस पर कर रखी है। दोस्तों करणी माता का जन्म चारणकुल में हुआ था। यह मंदिर चूहों का मंदिर भी माना जाता है। और मंदिर में अगर सफ़ेद चूहा उसको काबा बोलते हैं अगर आपको दे जाते हैं तो आप बहुत ही खुश किस्मत वाले हैं। जो काबा छोड़ देता है उसको बहुत मंगलकारी माना जाता है। तो यह बात करें विशेष रूप से गेट की शानदार नक्काशी वो वाइट संगमरमर से इस नक्काशी कर रखी है। यहाँ चांदी के दरवाजे चोने चांदी के छत्र और चूहों काबा के लिए प्रसाद में रखी है। बहुत बड़ी परात चांदी की परात आपको देखने लायक है दोस्तों। तो हम चलते हैं अभी बीकानेर से देशनोक की तरफ। दोस्तों हम निकल चुके हैं बीकानेर से देशनोक की तरफ। दोस्तों एक गांव से निकले हैं हम, इसके बाद हाईवे पर जाएंगे। गजनेर गांव से निकले हैं हम आज बीकानेर देशनोक की तरफ। हमने हाईवे पकड़ लिया है, हाईवे से हम जा रहे हैं देशनोक बीकानेर। दोस्तों ये बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ से दक्षिण दिशा में अगर आप उदयपुर से आ रहे हैं तो एक लगभग आपको पड़ेगा 350 से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। हम आप बस से उतरे और हमें फाइनली पहुंचने वाला है बीकानेर करणी माता देशनोक। पहुंच चुके हैं वो, यहाँ से हम थोड़ा सा दूर है, 200 मीटर की दूरी पे है। बाई वॉक यहाँ से जाएंगे, आपको दिखाएंगे। रास्ते में देख सकते हैं बाजार लगे हुए हैं। यहाँ पर ग्रामीण द्वारा प्रसाद के लिए, देखो ये बंदा सामने प्रसाद के लिए बोला है, प्रसाद लेके जाओ हमारे यहाँ से। हम यहाँ से निकल चुके हैं, आगे प्रसाद लेंगे उस समय यहाँ से दर्शन करेंगे करणी माता देशनोक। मैं और मेरे फ्रेंड के साथ हम करणी माता देशनोक के लिए यहाँ पर आए हैं। दोस्तों आप भी यहाँ पे आ सकते हैं दर्शन के लिए। तो बीकानेर से मात्र 30 किलोमीटर दूर है यहाँ पे। दोस्तों हम अब आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ से प्रसाद खरीद के मेन मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वहाँ तक आपको मैं लेके जाऊँ। हम फाइनली पहुँच चुके हैं प्रवेश द्वार तक, मंदिर का जो मेन प्रवेश द्वार है वो हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम प्रसाद वगैरह माला फूल माला लेके माँ करणी माता को चढ़ाने अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर का एरिया है, मंदिर का मेन द्वार आगे है। हम आगे की तरफ जाएंगे, बहुत सारी दुकानें लगी रही यहाँ पे। आज संडे है तो आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा है। हम यहाँ से फाइनली पहुँच चुके हैं मेन गेट की तरफ। और यहाँ दोस्तों हम बात करेंगे प्रसाद के लिए, यहाँ से प्रसाद फूलमाला लेंगे। हमने यहाँ पर प्रसाद फूलमाला ले ली है फाइनली। और जैसे हम अंदर की तरफ जाएँगे, प्रसाद 50 रुपये का प्रसाद, 200 का, 150 का, आपकी जो इच्छा अनुसार प्रसाद ले सकते हैं। ये सामने देखिए आपको मंदिर है, पूरा मंदिर एरिया है, पूरा ये मेन मंदिर गर्भगृह गुम्बज के नीचे है। और सामने दिख रहा है जो प्रवेश द्वार है, जो करणी माता प्रवेश द्वार। हम यहाँ से अंदर एंट्री कर चुके हैं प्रवेश द्वार से प्रसाद के साथ। तो यहाँ से हम जाएँगे मेन मंदिर में, आपको दिखाएँगे मेन मंदिर जो गर्भगृह है, जहाँ पर करणी माता का मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित कर दी गई करणी माता की। तो हम यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर चूहों के लिए प्रसिद्ध मंदिर है, जो यहाँ पे चूहे बहुत सारे दिखेंगे मिलेंगे आपको अंदर की तरफ हम जाएंगे। ये आप जैसे सामने गेट बना हुआ जो बहुत ही शानदार कलाकारी कर रखी है, संगमरमर से बनाया हुआ है, सफ़ेद बहुत ही शानदार नक्काशी कर रखी है। हम पहुँच चुके गर्भगृह में, देख सकते हैं आप सामने जो मंदिर बना हुआ, सामने करणी माता की मूर्ति स्थापित कर दी है यहाँ पे इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं चूहे भी यहाँ पे लाखों की संख्या में चूहे यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हमें काबा भी देखना मिलना नहीं, हम देखेंगे आप इस वीडियो में आगे मिलेगा काबा। तो हम आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे पीछे देख सकते हैं पूरा मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पे इस तरफ हम काबा चूहे लोग यहाँ पे ज़्यादा भीड़ लग रही है, हम उस तरफ जाएँगे तो कहीं हमें भी काबा चूहा दिख सके। काबा जो सफ़ेद चूहा का बोलते काबा, अगर वो सफ़ेद चूहा आपको दिखता है तो आप बहुत ही खुश किस्मत वाले और खुश नसीब हैं। देख सकते हैं हम पीछे की तरफ जाएंगे, यहाँ पूरे मंदिर में चूहों का मंदिर है, पूरा चूहे देख सकते हैं। हम देख यहाँ पे बाजरी डाल रखी है, वो चूहे के लिए बाजरी चना गेहूँ जो खाने चीज़ें डालते हैं लोग। यहाँ देख सकते हैं काबा के लिए लोग यहाँ पे काबा का दिखा है, एक चूहा काबा अंदर की तरफ छुपा हुआ, तो लोग यहाँ पर देखने के लिए भीड़ लगी है, बहुत ही खतरनाक भीड़ लगी। हम भी आके देखेंगे, हमें भी दिखे, बहुत ज़्यादा भीड़ है नीचे, देखो लोग झुक देख रहे हैं। तो दोस्तों आज दर्शन कर लिए है करणी माता मंदिर, जो मूर्ति स्थापित है गर्भगृह में
जो गुफा के अंदर मूर्ति है। अब हम चलेंगे बाहर की तरफ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक बार शॉपिंग के लिए दुकान लगा रही है लोगों ने, या फिर कोई भी आप चीज़ें खरीद सकते हैं यहाँ पे सारे। दोस्तों हमने यहाँ से शनि माता जी की मूर्ति और यहाँ पे एक सतरंगी धागा खरीदा हाथ के बांधने का। दोस्तों मैं अब यहाँ से निकलेंगे वापस दर्शन करके शनि माता मंदिर से। ये पीछे की तरफ एरिया देख सकते हैं आप, यहाँ से आप भी शॉपिंग कर सकते हैं आके यहाँ पे सब चीज़ें मूर्ति। तो ये बात दोस्तों इतिहास की बात करेंगे। दोस्तों भक्तों का मत है कि करणी माता माँ हिंगलाज का साक्षात रूप है। अब से लगभग 450 पूर्व जिस स्थान पर भव्य मंदिर बना है दोस्तों आप देखा होगा, वहाँ एक गुफा भी थी अंदर। उस गुफा में माँ अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करते थे। यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। आपको दिखाया भी था माँ के ज्योतिर्लिंग विलुप्त होने और उनकी इच्छानुसार इस मूर्ति की स्थापना उस गुफा में की गई। माता का जिन निज मंदिर में लगी मूर्ति अंधे भक्त बने खातिर द्वारा बनाई गई है। मंदिर की जो अंदर जो मूर्ति स्थापित की गई है, बताते हैं कि माँ करने के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी। दोस्तों करणी माता का मंदिर बहुत ही भव्य रूप से बनाया गया है महाराज गंगा सिंह द्वारा। इसके प्रवेश द्वार बहुत ही शानदार नक्काशी कर रखी है। संगमरमर से बने इस मंदिर की भव्यता देखते ही देखने को बनती है दोस्तों। तो मुख्य दरवाजा पार करते ही अंदर मंदिर के अंदर जाते हैं तो चूहों की तादाद देखने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा चूहे यहाँ पे हैं। यहाँ पे दोस्तों लगा इससे चूहों की बहुत से अंदर लगाया जाता है कि पैदल चलने के लिए लोगों के पैर उठाने जगह नहीं मिलती है, क्योंकि लगातार चूहे के चूहे होते हैं। चूहे पूरे मंदिर प्रांगण मौजूद हैं, श्रद्धालुओं के शरीर पे भी टच करते लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुँचाते चूहे। दोस्तों करणी माता मंदिर चूहे वाले मंदिर के नाम से विख्यात है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालुओं को यदि यहाँ सफ़ेद चूहे दिखते हैं ना, पहले भी अपना वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जिस भी श्रद्धालुओं को भक्त को सफ़ेद चूहे दिखा उसको बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों यहाँ सुबह 5 बजे मंगला आरती होती है और शाम को 7 बजे आरती समय चूहों का जुलूस देखने को मिलता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।